हेलो भक्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। ये वीडियो है, एक खास वीडियो है, और ये वीडियो है उन औरतों के लिए जो औरत के बच्चे नहीं होते हैं, जो औरत के बच्चे नहीं होते हैं, वो औरत के बच्चे के लिए वीडियो मैंने बनाया हूँ। जो 50 साल की उम्र तक बच्चे नहीं होते हैं, उन 50 साल के उम्र तक औरत के बच्चे होंगे, मैं दावा करता हूँ, बजरंगबली के सुगंध पर कहता हूँ। जो अनुष्ठान मैं बताऊँगा, उस अनुष्ठान से आप लोग चलेंगे, जो मेरे बताए हुए प्रक्रिया पे चलेंगे आप लोग, तो मैं वादा करता हूँ, बजरंगबली की सुगंध खा कहता हूँ कि आपके घर पे ज़रूर फिलकारी मचेगी, बच्चा होगा, जिस औरत के बच्चा नहीं होता है। जो औरत 10 साल, 5 साल, 20 साल बच्चे नहीं हुए, परेशान हो गए, हर पंडित, हर चौरा, हर देवाल, हर बाबा के पास गए, आज तक सफलता नहीं पाए। मैं आपको एक ऐसा चमत्कार बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा चमत्कार उपाय बताने जा रहा हूँ कि आपके घर में फिलकारी गूंजेगी। मैं वादा करता हूँ बजरंगबली के उपासक से, उनको शपथ खा के कहता हूँ कि आपके घर पर फिलकारी ज़रूर गूंजेगी। आपको करना क्या है, मंगलवार के दिन आपको लेना है एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़ा लाना है, और इसके बाद जिस जगह पे क्रिया करना है, जिस जगह पे आपको ये अनुष्ठान करना है, उस जगह पर पहले गाय के गोबर से लीप लेना। लीपने के बाद तो लाल जो कपड़ा लाएंगे, उस कपड़े को बिछा देना ज़मीन पे, जहाँ पे आप पोते हैं वहाँ पे। बिछाने के बाद आपको करना क्या है, एक मुट्ठी चावल लेना है। इसके बाद चावल लेने के बाद चावल जो चावल है ना, वो कपड़े के ऊपर चावल रख देना। इसके बाद लाल कलर का कुमकुम होता है, जो सिंदूर बोलमान में भरा जाता है, सिंदूर, तो सिंदूर में चावल में मिला देना। इसके बाद आपको 5 लौंग लेना है, 5 लौंग लेने के बाद वही चावल में रख देना है। इसके बाद एक सुपारी लेना है, वो सुपारी आपको रख देना है, उसी में आप पोटली बांध के जहाँ पे आप सोते हैं तकिए के नीचे उसको रख लीजिए, किसी को पता ना चले। जिस औरत के बच्चा नहीं होता उसके लिए बता रहा हूँ। और आगे के जो प्रक्रिया है, मैं मेरे नंबर पे आप फोन करके बात कर सकते हैं, और आगे की जो सुविधाएं हैं मैं डायरेक्ट सोशल मीडिया के द्वारा नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि कानून के दायरे में रह के काम करेंगे तो अच्छा रहता है। तो जो चीज़ें गलत है उस चीज़ को हम फोन के द्वारा से बताएंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है, तो इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से पूरी बातें नहीं बताऊंगा। अगर जिस औरत को खुशियाँ चाहिए, बच्चे चाहिए, तो संपर्क करें हमसे, और नंबर मेरे नंबर पर कॉल करें। आगे की जो प्रक्रिया है, आगे की जो बातें हैं, तो मैं आपको बताऊँगा। फ़ोन करिए, संपर्क करिए, जिस औरत के बच्चा नहीं होता तो विश्वास है, तो आप लोग जुड़िए मेरे से और आगे अपने घर पे खुशियाँ लाइए। बाकी मैं फ़ोन पे बताऊंगा, मेरा टाइम रहेगा सुबह 9 बजे से 10 बजे तक का मैं बात करूंगा, और शाम के 5 बजे से पूरी रात तक आप मेरे से बात कर सकते हैं। जिस औरत को अगर खुशियाँ चाहिए, बच्चा चाहिए, तो संपर्क करें। ये मजाक, मैं मजाक नहीं कर रहा, बजरंगबली की सुगंध मैं कहता हूँ, घर में आपकी खुशियाँ ज़रूर होगी। जो मैं उपाय बताया आज, मेरे उपाय से आप चलेंगे, तो मैं वादा करता हूँ कि आपके घर में खुशी ज़रूर होगी। मेरे प्रभु, मेरी भक्ति, मेरी शक्ति में मेरे को भरोसा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आप लोग जुड़िए। मेरा दीपू रेखा एंटरटेनमेंट चैनल है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, सपोर्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर दे, किसी की खुशियाँ आ जाए घर पे, तो मैं सारी बातें मैं नहीं बता सकता हूँ। क्यों नहीं बताऊँगा, क्योंकि कानून के दायरे पे रह के मेरे काम करना है, ये मेरे बजरंगबली सपना में दिए हैं, इसलिए सपना में मेरे को इस चीज़ बताए, इसलिए मैं आप लोग के बीच में रखा बात। मेरे प्रभु ने मेरे को आज रात में सपना में ये चीज़ें बताएं कि ऐसा ऐसा बेटा कर, तो मैं इसलिए आपके वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ शेयर करना, और जो भी औरत को खुशियाँ चाहिए, बच्चा चाहिए, तो मैं वादा करता हूँ, संपर्क करिए, मैं आपके घर में खुशियाँ ज़रूर लाऊँगा। बजरंगबली की सुगंध खा कहता हूँ।
मेरे अपने प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास है। जिसको विश्वास है तो जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें हर व्यक्ति। और कमेंट में पहला सा लिखिएगा ओम बागेश्वर नमः। जय श्री राम, जय बागेश्वर राम।